हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक हमारा व्लॉग नहीं ना देखा, जो भाई पाकिस्तानी बस और ट्रेन का जो सफर वाला व्लॉग है, वो भी जाके जरूर दिखाइए प्यार वहाँ पे। और आज की वीडियो जो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी मुफ्ती फजल हमदर्द हैं, और आज वो भाई कुछ सवाल पूछने वाले हैं स्वामी जो है ना सरस्वती, उनसे पूछने वाले हैं। अभी देखते हैं भाई वो स्वामी जी जो है वो किस तरह से मुफ्ती फजल हमदर्द के जो है वो जवाब देते हैं। बड़ा मजा आने वाला है इस इंटरव्यू को देखने में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय का इजहार भी जरूर करना। देखते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारी बात हो रही है, और इसमें मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को अपना परिचय और तारुफ करा दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, भारत के महाराष्ट्र राज्य से और मुंबई से हूँ, और मैं भारत के अंदर घर वापसी पर और प्रेम पूर्वक सनातन धर्म का काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर प्रेम और सद्भावना रहे, और इसीलिए मैं सभी को सनातन धर्म में फिर से घर वापसी का इन्विटेशन देकर के उनको घर में लेकर के आता हूँ। अच्छा, आपकी जो एजुकेशन है ये पहले बताइए कि जो हमारे यहाँ जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, पंडित है, स्वामी है, मॉन्क है, आप क्या हैं और कहाँ से आपने ये तालीम हासिल की है? जी, मैं दासना देवी मंदिर, हमारा एक बहुत प्राचीन मंदिर है और वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में है, गाजियाबाद जिले के अंदर है, और वहाँ पर लगभग 95% आबादी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या जिसे कहें कि आपका जो दीन उसके लोगों का है, और वहीं पर हमने दीक्षा लिया संन्यास का, और वहीं से मैं कार्य करता हूँ। सनातन धर्म को दुनिया के घर घर तक पहुँचाना और सनातन धर्म के लोगों को फिर से भारत के उन सिद्धांतों तक पहुँचाना, इससे दूर होगा। तो मैं मुफ्ती साहब को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी हमारे थे और फिर से हमारे हों, और यही बात से तो आप आए कि हमारा मुल्क क्यों टूटा, हमारे मुल्क के क्यों टुकड़े हुए, और इसी एकता अखंडता को बनाने के लिए मैंने अध्ययन किया। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने मुझे यह बोला कि स्वामी जी 90.3 FM जैसे बजता है, ऐसे आपको सनातन धर्म का गीत पूरी दुनिया के अंदर गुंजाते रहना। जी, इतना ही परिचय है। अच्छा, तो इसमें आपने भी बताया कि वापसी, हम इसमें बात करेंगे कि आप लोगों को कहते हैं कि वो घर वापसी करें, या हम आपसे पूछेंगे ये क्या है और इसमें अभी तक आपने क्या काम किया। पहले आप ये बताइएगा कि आपका जो सनातन धर्म है उसमें आपका क्या मानना है, आप बताएंगे कि वो क्या है, ये धर्म क्या है, सनातन आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? जी, मैं तो सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पवित्र विचार मानता हूँ, क्योंकि इसमें मानवता का इतना अधिक, सबसे अधिक मैं कहूँ तो इसमें ही मानवता मौजूद है, बस इतना है। आपको मैं उर्दू में कहूँ तो इसका जर्रा मैं कहूँ तो मानवता से भरा हुआ है, जर्रा जिसे हम हिंदी में कण कण कहते हैं, तो इसका कण कण में बसा हुआ है मानवता, जो मुझे और कहीं नहीं दिखता। अच्छा, आपको और कहीं नहीं दिखता, इस पर भी बात करेंगे स्वामी जी। ये बताइए कि आपने कहा दासना मंदिर, तो जहाँ तक मेरा इल्म है दासना मंदिर से जो है वो सिंगानंद जी परम पूज्य हमारे गुरुदेव हैं जी। अच्छा, गुरुदेव हैं आपके। हाँ, तो आप ये घर वापसी जो करवा रहे हैं वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि आप फोर्स कन्वर्जन करवा रहे हैं दूसरों को? नहीं, मैं तो पाकिस्तान में भी करवाता हूँ। आप जहाँ पे बैठे ना, आप किधर, कराची में है क्या? जी जी, बिल्कुल कराची। हाँ, तो कराची की 150 बहनें मेरे संपर्क में है, वो भी अभी घर वापसी करना चाहती है, और अभी पीछे ही हमने, इसके पहले ही मैंने लाहौर की बहनों को, कुछ वो अमेरिका में रहती है, तो उनको भी घर वापसी करवाया, उसका लाइव वीडियो भी रखा है, वो बहन देख रही है अभी हम। अच्छा, तो आप क्यों कर रहे हैं ये, यानी लोगों को कह रहे हैं कि वो अपने घर वापसी करें, तो घर वापसी क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप? घर वापसी मतलब जैसे होता है ना, सुबह का बुला शाम को घर नहीं लौटता, तो फिर उसको घर लेकर के आना पड़ता ढूंढने के लिए, तो वो जो घर भटक करके भागा है, मैं कहूँ तो कैसे आपको मैं समझा, क्योंकि एक तो क्या है, मेरा भाषा शैली क्या है, थोड़ा सा अजीब मुंबईया टाइप से, तो मैं बहुत, यानी जो, पे... जो स्वामी जी जो मुसलमान हो गया या क्रिश्चियन हो गया या बुद्धिस्ट हो गया है आपके नजदीक, वो आपके घर से निकल गए हैं और वो रास्ता भटक गए, उनको आप वापस लाना चाहते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ मुस्लिम। अच्छा, क्रिश्चियन नहीं? क्रिश्चियन तो अभी हमारा देश में है नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं है हमारा देश का। अच्छा, आपके देश में क्रिश्चियन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो देश में नहीं, दुनिया में किधर प्रॉब्लम नहीं करते। आपको मैं उदाहरण देता, हमारा देश का एक टुकड़ा अलग हुआ कब, 1947 15 अगस्त को, 14 अगस्त को आप लोग आपका आजादी का वो मनाते हैं दिन, है ना,
हम उस दिन मातम मनाता हूँ मैं, और पूरे दुनिया के अंदर हम छाती ठोक के कहते कि हमारा देश का टुकड़ा एक ऐसे दिन ने करवा दिया। आप और मैं तो एक ही देश के है ना, अखंड भारत के, इसीलिए तो मैंने पहले बोला जय हिंदू राष्ट्र। मैं तो पाकिस्तान का हूँ स्वामी जी। तो ये मेरा ही तो देश है ना, उसको टुकड़ा अलग कर लिया आप लोगों ने, पाक बना लिया, हमारे इस हिस्से को नापाक बता दिया, इसमें अच्छा रहना नहीं। नापाक हमने नहीं कहा कि वो नापाक है, बस ये पाकिस्तान, यानी एक चीज के अच्छा होने से जरूरी नहीं कि दूसरा बंदा बुरा हो, ऐसा तो नहीं सकता। यानी अगर स्वामी अलग क्यों हुआ, वही तो वही मैटर है ना, अलग नहीं क्या मुझे अंदर गलत हो जाए, अलग मतलब ये पहचान है, जैसे आप अलग हैं, आपने अलग कपड़ा पहना हुआ है, मैंने अलग पहना हुआ है। मैं आपको वही बता रहा था कि 1947 में 15 अगस्त का जब हमारा आजादी हुआ और आपने टुकड़ा ले लिया अपना हिस्से का, दीन का, आपके मजहब का, आपके पंथ का, आपके संप्रदाय का, आपका माइनॉरिटी में आपको अच्छा नहीं लगा तो उधर आप मेजोरिटी में चले गए। तो आप देखिए उसी टाइम पे भारत भी आ जाता, सेम डे पे आज पाकिस्तान का क्या कंडीशन है, मुझे आप कंडीशन बताइए, बहुत बुरा कंडीशन हो गया वहां पर। अंबानी है क्या कोई, अंबानी नहीं, आपके देश में अडानी नहीं, आपके देश में बाटा भी नहीं है, आपके देश में सलमान खान भी नहीं है, आपके देश में शाहरुख खान भी नहीं है, ये सब हमारा देश के अंदर है। देखिए ये सारे जितने भी लोग आप बता रहे हैं इनके अगर किसी कंट्री में ये होंगे तो वो कंट्री के एक यानी तरती आफ्ता कंट्री होने की निशानी, ऐसा तो नहीं है। यानी अगर आपके देश में सलमान खान है, सलमान खान तो आपके देश में है ना, तो वही तो कह रहा मैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, आपके तरक्की होने की निशानी, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ ये मेरी तरक्की होने की निशानी है, हमारे अंबानी, हमारे यहाँ सलमान खान, हमारे यहाँ ऋतिक रोशन, हमारे यहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर बहनें खूब अच्छे से नाचती हैं, गाना गाती है, आपके यहाँ पर बहनों को प्रॉब्लम नहीं है, वो घर वापसी कर रहे हैं, बोल रहा कच्चा कराची की 150 लड़कियां मेरे संपर्क में। स्वामी जी इस तरह तो 900 परिवार हिंदुओं के वो मुसलमान हो रहे हैं, दलित जो आप फोर्सफुली हुए ना। मैं रिंकू मेघवाल का घटना आपको बताता हूँ, रिंकू मेघवाल को पाकिस्तान में डर से उठा के ले गए, मिट्टू मियां ने बहुत सारी हजारों लड़कियों का फोर्सफुली उसने रेप किया। नहीं कोई 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 ऐसा नहीं किया, ये इल्जाम है उनके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेरी मिट्टू मियां के ऊपर इल्जाम है, मैं यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताता, हमारा उसके उसने रैप किया ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को धर्म में, जैसे आप जो करते हैं उन्होंने किया होगा, लेकिन आपके हम रैप नहीं करते, एक भी रैप चार्ज अभी तक तो मेरे ऊपर नहीं है। तो अगर कोई आपके ऊपर ये इल्जाम लगाएगा तो वो इल्जाम ही होगा ना कि आप रैप करते हैं। तो आप जो मिठी मियां के बारे में कह रहे हैं रैप का, ये इसको तो मुझे चाहिए कि मैं कहूँ कि आप सही नहीं कह रहे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं नहीं हमारे पास लोग हैं, चलो मिट्टू मियां का मैं छोड़ो, आप मिट्टू मियां को मिट्टू को जैसे करने दो, मैं आपको ये कहता कि हमारा हिंदू गया का पाकिस्तान का, उसको धरती निकल गई आसमान खा गया। स्वामी जी क्यों वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ आपके यहाँ 20% है हिंदू था, 22% खिलाफ नहीं, खिलाफ ना वो तो हमारे ही है, मुसलमान से प्यार करता, आई लव मुस्लिम, आई लव मुफ्ती जी, और मैं इसीलिए कहता हूँ मैं इतना प्यार करता हूँ मुफ्तियों को, मौलानाओं को, और मैं उनके पास जाता हूँ, मैं आपको आया ना, मैं आपको भी कहता कि आप भी हिंदू धर्म में आ जाइए। नहीं आप मुझे अगर ये कहते हैं तो मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप इस्लाम में आ जाइए, आप भी कहिए ना, आप भी खूबियां बताइए, आप भी खूबी बता दो इस्लाम का, मैं भी बता देता हूँ। मैं तो स्वामी जी सुबह शाम बताता रहता हूँ खूबियाँ, मेरी 900 ज्यादा वीडियोस है जो मैं इस्लाम की खूबियाँ बता रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो बात अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए, आपको मैं ज्यादा समझना चाहता हूँ और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है अभी, जिस तरह से करौली के अंदर मुसलमानों की मस्जिद में आप लोग चढ़ गए और वहाँ पे झंडा लगा दिया, ये कहाँ का एक ये तरीका? बिल्कुल मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल भी वहाँ पर झंडा नहीं लगाना था, बल्कि वहाँ से जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे उन लोगों को देश से निकाल करके पाकिस्तान भेज देना था, क्योंकि जो हमारे भारत में रह करके अगर नारे नहीं सुन सकता जय श्री राम के, वो तो स्वामी जी आपका काम तो नहीं है ना, वो तो आपकी गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको भेजती है। नहीं तो मैं ही तो गवर्नमेंट हूँ, गवर्नमेंट किसने बनवाई, ये भगवान ने तो गवर्नमेंट बनवाई है। अच्छा आप भगवान है? भगवान नहीं, भगवा ये हमारा कलर है ना, हमारा एक विजन है, हमारा देश में हिंदुवादी सरकार हम लोग लेकर के आए। अच्छा आपने सरकार बनाई है, अब ये मुसलमानों का आप क्या चाहते हैं, मुसलमान वहां से सारे निकल जाए पाकिस्तान आ जाए? हाँ कट्टरपंथी सारा मुसलमान देश से निकल जाए, कट्टरपंथी घर वापसी कर ले, कट्टरपंथी निकल जाए तो आप तो खुद कट्टर हैं। हाँ होना पड़ा ना मुझे कट्टर, जब कश्मीर की घटना होती है, जब हमारा देश के अंदर करौली का घटना होता है, नाचते गाते राम सेवकों के ऊपर, राम धुन पे नाचते लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, एसिड फेंका जाएगा, तो फिर कट्टर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को होना पड़ता है। आप यानी इस तरह से आपके मुल्क की जो हालत होगी वो तो, यदि आप देख लें कि 30 करोड़ अगर मुसलमान है, 30 करोड़ हाँ। मुसलमानों के साथ आप अगर फोर्सफुली उनको आप घर फोर्सफुली नहीं प्यार से मुस्लिम होगा नहीं ना, वो तो नहीं छोड़ेंगे अपना मजहब, छोड़ रहे हैं और बहुत छोड़ रहे हैं, बहुत छोड़ रहे हैं। इस तरह से आपके भी जितना आप कह रहे हैं कि उससे डबल जो है वो लोग मुसलमान होते जाएंगे, तो होने दो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मुसलमान बनना चाहता बने, हम क्या रोक रहे, हम तो घर में वापसी करवा रहे, कोई कीचड़ में कूदे
कोई पोटी खा ले तो हम थोड़ी रोकेंगे। अच्छा ये बताइए कि मुसलमानों के साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है इसका आप इल्जाम मुसलमानों को ही सिर्फ दे रहे हैं, यानी तो ये मेरी बात सुनो, कोई भारत के स्कूल के अंदर श्रीमान मुफ्ती जी भारत के स्कूल कॉलेज के अंदर, आदरणीय मुफ्ती जी, भारत के स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे यहाँ पर ड्रेस कोड है। अब कट्टरपंथी एक ग्रुप की, आतंकी ग्रुप की लड़कियां, जिहादी लड़कियां वहां घुस के हिजाब पहन के जा रही, स्कूल के अंदर ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रही, वो कट्टरपंथ को फॉलो कर रही। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गुंडियां वहां पर घुस गई स्कूल में और उन्होंने माहौल खराब कर दिया। उनके चक्कर में 1500 मुस्लिम लड़कियों का पढ़ाई रुक गया, बेचारी का पढ़ाई का खर्चा स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती उठा रहा, तो 1500 लड़कियां अब हिंदू धर्म में आ रही हैं, आपको पता, हमें जानकारी देता। तो ये तो आप लोगों का एक माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म है ना, अत्याचार आप लोग कर रहे हैं कि आप स्कूल में ड्रेस कोड नहीं पहनेंगे, स्कूल में वहां घुसे के कपड़ा पहन के काला लबादा तो अच्छा लगेगा नहीं ना, स्कूल का ड्रेस कोड। देखिए उनका हक है कि वो एक चीज को समझते हैं, जो आपका जो आईन है स्कूल का लॉ अलग होता है। मैं आपको जानकारी देता मुफ्ती साहब, आप पाकिस्तान के अंदर होता होगा ऐसा, मैं आपको भारत का जानकारी देता, मेरे स्कूल चलते बहुत सारे, करीब 1500 से अधिक हमारा संस्था के स्कूल चलते छोटे मोटे, उन स्कूलों के अंदर हम भी उनकी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, पुलिस भी नहीं जा सकती, कलेक्टर भी नहीं घुस सकता स्कूल के प्रिंसिपल के इच्छा के बिना। तो क्या होता है, कुछ गुंडियां जिहादन कुछ काले कपड़े पहनकर वहां अंदर घुसने लगी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की 8 लड़कियां थी और अल जवाहिरी ने उसको अपनी आपाजान बोला, उसको अपनी बाजी बोला। अब बताइए अल जवाहिरी कितना गुंडा आदमी है, कितना आतंकी इंसान है, कितना पापी है। अच्छा ये बताइए पंडित जी कि आपके यहाँ स्वामी ये आप लोगों का जो मुसलमान जिस आए रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं मुसलमानों को वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, और अभी जो वो करौली के बाहर जो वीडियो आई वो मैंने खुद देखी है, उसमें ये कहा गया कि इनकी माओ बहनों से बेटियों को निकाल के रेप करो, ये कहाँ का इंसाफ है, ये क्यों हो रहा है, पता नहीं ऐसा किसने बोला, मेरे को नहीं पता। माँ और बहन की तो पूजा कर दे, अभी मैं 17 मुस्लिम बच्चियों का हमने पाओ का पूजा किया और उनको घर में वापस लेकर क्या, घर में अभी आ ही रहा हूँ मैं घर वापसी के, 17 बच्चियों के प्रोग्राम से ही मैं आ रहा हूँ, उनको हम मेरी माँ बहन बेटियां वो चाहे किसी की भी हो, अगर उन पर कोई बुरी नजर डालेगा तो उनकी आंखियां निकाल के गोटियां खेल लेते हैं, हम डरते नहीं है, हम किसी से भी नहीं डरते। अच्छा कोई यानी बहन, जो कोई बहन की इज्जत पे हाथ डालेगा तो हम बिल्कुल उसको नहीं छोड़ेंगे। सही, तो अगर ये बताइए कि आपके यहाँ जो पंडित उसने कहा कि मुसलमानों की माँ बहनों के साथ ऐसे करो तो घरों से निकालो और उनको मार डालो, उसने सही कही थी ये बात, किनकी, ये वो पंडित सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की माँ बहनों की करौली के अंदर जिन्होंने जिनकी वीडियो वायरल नहीं, करौली में तो कोई पंडित भी नहीं है, कोई ऐसे स्वामी भी नहीं है करौली में, मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पर, मैं अभी दौरा करने हम जा रहे हैं, सरकार ने अभी मुझे परमिशन दिया नहीं है वहाँ का, जैसे ही सरकार परमिशन देगा तो मैं जाकर के वहाँ का हम दौरा करेंगे और फिर हम बताएंगे कि भैया इस देश में रहना है तो जय श्री राम सुनना होगा और बोलना भी होगा और घर में वापस आना भी होगा, अगर पत्थर फेंकोगे हिंदुओं के ऊपर, यानी अगर कोई मुसलमान आपका हिंदू नहीं बनता है तो आप उसको रहने नहीं दोगे वहाँ? नहीं मैंने ऐसा कहा, ये भी कहा ना आपने कि जय श्री राम बोलेगा भी और वो घर वापस भी करेगा, यानी आपका हिंदू? हाँ, जय राम जी हमारे राष्ट्र पुरुष है, जैसे आपके यहाँ पर तो कोई राष्ट्र पुरुष बचा ही नहीं, आपने तो अपना अलग टुकड़ा लिया, तो हिंगलाज माता के मंदिर पे भी बहुत पाबंदी लगा दी, इस्कान मंदिर भी नहीं बनने देते और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते, कोई पाबंदी नहीं है स्वामी जी, मैं आपको बताता हूं, मुझे आने देंगे क्या, मेरा कार्यक्रम करवा दो एक सभा कराची में, आपका आने के ना आने की वजह, वो तो कोई इंडियन भी नहीं आ सकता ना या जा सकता है, अभी सिर्फ ये नहीं जा सकते, मैं आपको बुलाता मुफ्ती साहब, मैं आपको मुंबई में बुलाता, मैं आपका कार्यक्रम मुमरा में कराता, मुमरा मेजोरिटी में मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे मैं आपका कार्यक्रम करवा देता हूँ, आ जाइए, हमें और सहूलियत होगा घर वापसी का, कैसे आएंगे लोगों के हालात इस तरह से हैं, ये तो अरे होने दो, ये स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती का गारंटी हमारा सरकार है, मैं उनसे बात करके आपको बुलवा लूंगा, आपके आने से लाखों मुसलमान घर वापसी कर लेंगे आपके आने से। तो ये नहीं, ये जो मैंने आपसे पहले सवाल ये पूछा, आपने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, सुनना भी है और घर वापसी भी करना है, तो इसका मतलब है आप मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच? नहीं मुसलमानों को नहीं, मैं कट्टरपंथ को खत्म करना है, मुस्लिम आई लव मुस्लिम, बड़ी बड़ी सभा में कहता आई लव मुस्लिम, आई लव मुस्लिम, जब मुसलमान रहेंगे नहीं तो आप किससे लव करेंगे, आप तो उनको अपने बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों से लव करूंगा ना मैं, आपके यहाँ पे आऊंगा ना कराची में, हमें तो हिंदू राष्ट्र अखंड बनाना है, आप अपने हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को रहने नहीं देना चाहते, रहे ना आई लव मुस्लिम, लेकिन भारतीय नागरिक बन के, कट्टरपंथी बन के नहीं, नागरिक होना तो अलग है ना, अब घर वापसी करा देंगे, नागरिक तो अलग मसला है, आपके मुल्क के अंदर नास्तिक भी हैं, ख्रिस्त भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उनसे आपको कोई मसला नहीं है, आपको मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ, कट्टरपंथ से मुसलमान नहीं, आई लव मुस्लिम, फिर मैं कहता आई लव मुस्लिम,
कट्टरपंथी से हमें दुश्मनी है। अभी आपने ये बात कही है कि घर वापसी यही करेंगे, रहना है तो घर वापसी कर ले, इसका क्या मतलब? मतलब भारत के संविधान को फॉलो करो ना। जो कर रहे हैं भारत के संविधान नहीं कर रहे, अभी हिजाब पहन के स्कूलों में घुस रही थी गुंडियां। भारत का संविधान किसने बनाया? परम पूज्य बाबा अम्बेडकर साहब, और उसमें मुसलमान भी है। नहीं वो कमेटी में देखिए, मैं आपको बताया था कि पाकिस्तान का संविधान किसने बनाया, मेरी बात बताइए, पाकिस्तान का संविधान किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। नहीं, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने। नहीं नहीं, किसी जोगेंद्रनाथ ने नहीं बनाया, जे एन मंडल जी ने। देखो आप दलितों के साथ ऐसा करते हो। पाकिस्तान का जो संविधान है वो 1973 के अंदर बना है और पार्लियामेंट ने बनाया। ये जोगेंद्रनाथ मंडल संविधान सभा के उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप फिर से इतिहास पढ़ लो जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में, एक तरफ थे भाई इंडिया के जो स्वामी हैं वो, और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान के मुफ्ती, उन दोनों के दरमियान डिबेट हो रही थी। तो उन्होंने जो स्वामी जी है ना, उन्होंने ये बोला है, वो लोग जो मतलब कट्टरपंथ का मतलब वो होता है जो लोग मतलब नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं ना, मतलब के होता है कि यार या हिंदू है तो उसको जाकर मार दो, बस हमारा मकसद ही उसका जान लेना है, या फिर उसको इस तरह से करना है, या फिर जिहाद करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मतलब के जो नफरत फैलाने की हमें कोशिश करते हैं ना, उसको कट्टरपंथ कहा जाता है। तो जो वो बोले हैं कि जो लोग आराम से सुकून से एक जगह, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में भी आप चले जाएं ना, तो वहां पे भी अगर एक मुसलमान वहां पे जाके इस तरह से एक्टिविटीज में शामिल होगा तो वो वहां से भी वहां बाहर निकाल देंगे, कोई भी अपने कंट्री में नहीं रखता। तो आपको अपने कंट्री में, अपने भी कंट्री में रहते हो ना, तो आपको सुकून और अमन के साथ रहना चाहिए, दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मतलब आराम से प्यार से मोहब्बत से रहना। वो जैसा कि स्वामी जी है ना, उन्होंने ये बोला कि वो लोग जो वो मुसलमान जो प्यार से मोहब्बत से रहते हैं और जिनसे किसी को भी तकलीफ नहीं होती, तो उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग जैसे कि मौलवी मुल्ला होते हैं ना, वो लोगों को भड़काते हैं अपनी जलसों में जुलूसों में, तो फिर उनको उनके ऊपर वो बोले, ऐसे लोगों का इलाज तो करना ही पड़ेगा, ऐसे लोगों का इलाज तो फिर हुकूमत सभी की हुकूमत करती है, चाहे वो पाकिस्तान की ही क्यों ना हो, या फिर इंडिया की, या फिर बाहर की कंट्री की किसी भी जगह की हो, सब लोग जो होते हैं ना वो इसका इलाज करते ही हैं। तो उन्होंने बोला कि अब जैसे कि स्कूल है, पिछले दिनों में एक वाकया हुआ था, आपको पता, स्कूल में तो सभी लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, वहाँ पे आप, अब मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैंने तो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना, मैंने तो जो मेरे घर के कपड़े हैं मैं तो ये पहन के जाऊंगी, ये तो फिर स्कूल के रूल्स के खिलाफ होगा, तो वहाँ पे तो फिर वो वहाँ पे पनिशमेंट तो हमें मिलेगी ना, वहाँ पे फिर लोग बोलेंगे ना, आप क्या बोलना चाहते हैं? जो फैसला करते हैं स्वामी जी भी ने भी यही कहा है कि जो एक हुकूमत रूल बनाती है ना, उसको चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई, जो भी है, सबको एक जैसा ही रखा जाता है, सबको एक जैसे ही रूल मानने पड़ते हैं और मानने भी पड़ेंगे, और जो लोग नफरत में जो होती है ना, नफरत वाली बातों में शामिल होंगे, या फिर जो भी मारा मारी करेंगे, तो ऐसे लोगों को जो कंट्री का अमन और सुकून बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे स्वामी जी ने बड़े ही तगड़े किस्म के जवाब दिए हैं, मुफ्ती जो है ना वो यही बोलते जा रहे थे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है इंडिया में, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है इंडिया में, ये नहीं बोलते कि जो पाकिस्तान में हिंदू है वो कहाँ पे चले गए, वो उन पे कैसा जुल्म हो रहा है उनका, यहाँ पे तो मंदिर तक बनाने नहीं देते, तो अपना नहीं ये देख रहे, लेकिन वहां पे तो हमें एक जिंदा मिसाल मिलती है कि वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें पाई जाती हैं, अगर वहां पे जुल्म होता हो तो वो तो मस्जिदें आए दिन जो है वो खत्म कर दें, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं होता, वहां पे तो मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ पे मंदिरों की तादाद घटती जा रही है, यही हकीकत थी। तो आप क्या वैसे बोलना चाहेंगे इस हवाले से, प्लीज बताइएगा। फिर आपको मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चलते हैं।